सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत करते हैं जी आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। मैं आपका अपना मंजीत यादव आज फिर से आप भाइयों के लिए एक मिल्किंग वाली जो बफलो है वो लेके आए हैं। और जैसे कि रूटीन से वीडियो जा रही हैं और आज फिर से आपको एक दूसरे ब्यांत की जोटी है जिसकी मिल्किंग दिखा रहे हैं। काफ़ी टाइम से जो पशुपालक भाई हैं उनके फ़ोन आते रहते हैं कि अच्छे दूध की भैंस चाहिए, लेकिन दिखाने वाला कोई भी सामने नहीं आता। सभी ये है खीस वाली भैंसें होती हैं, ये देखिए बंद पसमाओं पे लग चुकी है, 12 दिन की ब्याई हुई दूसरे ब्यांत की जोटी। और इसकी जो मिल्किंग करवा रहे हैं गांव दड़ुंदा से, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ हरियाणा से। और सामने आप देख पा रहे हैं फौजी साहब को, अवासिंग फौजी जो ओनर हैं भाई इस पशुधन के। और इसकी मिल्किंग हम वैसे भी वीडियो इसकी पहले आ चुकी है और आज मिल्किंग की वीडियो भी साथ ही में आप भाइयों के साथ शेयर कर रहे हैं। एक टाइम की ही मिल्किंग करवाने का जो समय है हम निकाल पाए हैं, बाकी जो भी खरीदेगा वो अपनी देख सकता है आके, क्योंकि एक टाइम की वीडियो में भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, जैसे पसमाओ दार कैसी है, बच्चे को पशुधन ले रहा है नहीं, खाली बाल्टी दिखा दी, करो जी स्टार्ट। काफ़ी बार जो है पशुपालक जो बगैर दूध देखे भैंसे ले लेते हैं उसमें बच्चा पशुधन नहीं लगाता हो, कर दो आप स्टार्ट, दिख रही है इसे बिल्कुल क्लियर है। चारों थनों की अलग अलग आपको चुवाई एक एक दार मार के दिखा रहे हैं। और जब छोड़ रहे हैं थन को तो वैसे भी देखिए इतनी जो सॉफ्ट चुवाई है कि दूध वैसे भी निकल रहा है। पहले अगाड़ी आपको निकाल के दिखाएंगे और फिर अलग से पिछाड़ी का जो अंदाजा आ जाए। पहले भी एक जोटी इन्होंने दिखाई थी, एक दो जोटियां दिखाई थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। और आज भी मैं बात करूं, सुंदरता ज़रूर इनके पशु में हर बार देखने को मिली है। और एक ऐसे टाइम में किसान साथियों को ये मिल्किंग वाली भैंस दिखा रहे हैं जब आगे गर्मी का सीज़न आ रहा है और जो दूध वाली भैंसें हैं वो मिलना बहुत मुश्किल है, फिर भी व्यापारी लाइन के जरिए ही संभव है। आर्मी में सेवा देने के बाद अभी जो पशुपालन का शौक है वो आर्मी और हरियाणा पुलिस वालों को ज़्यादा ही है वैसे देखने में आ रहा है। तो बिल्कुल सॉफ्ट चुवाई है, कुछ ही देर में जो दूध है वो माप के दिखा दिया जाएगा। और एक दूध वाली भैंस की जो अच्छी पहचान आप मानिए, भैंस आराम से जुगाड़ी करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि दूध का एक प्रेशर होता है पशु के माइंड पे और जब चुवाई करने लगता है पशुपालक तो रिलैक्स महसूस होता है, जिससे पशुधन अपना जो जुगाड़ी का काम है वो स्टार्ट कर देता है। दो आदमी बैठ के निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, संडे सुबह होगी। हाँ बिल्कुल, दोनों तरफ से आदमी, एक उधर बैठ जाओ एक इधर बैठ जाओ, आराम से दूध निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। जी जी, चाहे लेडीज जेंट्स कोई भी निकालो है। हाँ कोई निकाल लो। जी जी, तो नरम चुवाई की भैंस वैसे अच्छी है भाई साहब, दो टाइम कोई भी भाई आजकल ऑनलाइन भी खरीद लेते हैं तो दो टाइम मिल्किंग करे टाइट चुवाई की भैंस से सभी परेशान रहते हैं। ये देखिए जी, अंदाजन कितनी होगी? ढाई किलो से ऊपर। जी जी, निकालो ढाई किलो दूध जो इस पशुधन ने अगले थनों से निकाला है। और ये मान के चलिए 1.25 किलो से ऊपर अगाड़ी निकाल दे वो भैंस, वैसे रोहतक पास मानी जाती है, क्योंकि रोहतक में जब पासिंग होती है तो 1.25 किलो दूध आगे के थनों से निकलना बहुत ज़रूरी है, अगर इससे कम हो तो फिर भैंस फैल है। और 2.5, 3, 4 किलो वाली अगाड़ी वाली भैंसें तो काफ़ी कम आती हैं, लगभग 1.5 किलो पे ही, 2 किलो के अंदर ही रह जाती है अगाड़ी। तो बताने का क्या है मंजीत भाई, लोग काटे बट टाइम लगा के 20-20 किलो दूध तुलवाते हैं लेकिन दोनों टाइम का तो नहीं निकालते हो भाई। जिसकी भैंस में काटे का दूध 2 टाइम का होगा ना, वो तो ये मान के चलो यूट्यूब वाले को भी नहीं भागने देगा, ये सच्चाई है। दूध रोक के 2-3 घंटे का और 1 टाइम दिखा दे, वो तो बात आपकी सही है बिल्कुल। और हम तो एक बात कहेंगे भाई, देखो हमने तो आज तक अपना ईमानदारी से काम किया है भाई, अपनी फौज की नौकरी ईमानदारी से करके आए। जी जी, और जितने पशु खरीदने वाले हैं या पशुपालक भाई हैं, मैं तो उनको एक बात पक्का कहूंगा जी कि भाई पैसे दे के धन खरीद रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल अपना ठोक बजा के अपना पेटा भर के लो। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। काफ़ी भाई ऐसे हैं जी आजकल फोन करने लगे, कांटे वाला दूध है, कम से कम ये देखो कि जिसकी भैंस में 20 किलो दूध है ना, वो मैं गारंटी देता हूँ भाई साहब भागने नहीं देगा किसी भी यूट्यूबर को।
और 20 किलो दूध के लिए कम से कम है ना भैंस को खड़ा रखना पड़ेगा अगले को एक महीने से ऊपर जो तोल वाला। आपने भी देखा है भाई अपना हरियाणा में या कहीं और भी बाहर कितने पशुओं का काटे पर दूध तुले है भाई। नहीं घर पे दूध लेन कोई आव फौजी साहब तोल की कोई ना दे सब लीटर ती दी। नहीं देता भाई सब डब्बे भर के देते हैं। हाँ लेकिन जब बात एक टाइम दिखाने की हो ना उसमें फिर तो अभी आप इसका 2 घंटे का रोक के आप इसका चाहे 24 बता दो बिल्कुल बता दो 12 लीटर भी दे देगी टाइम का तो ये चीजें गलत हैं। बाकी बहुत सारे पशुपालक ऐसे हैं समझदार हैं सब चीजें देखते हैं वो चुप बैठे हैं उनको ज्ञान है उनको जिनको नहीं नॉलेज ना वो तो कमेंट में कुछ भी लिखने लग जाएं चाहे ये चीजें सोचने की हैं। एक टाइम मिल्किंग दिखाने में कांटे पे रखने का कोई फायदा नहीं है। जैसे पहले ही एक चीज मैंने अपनी वीडियो में बोल दी कि रेफरेंसिक वीडियो है कोई भी बाइक खरीदेगा वो देख भी सकता है आके अपना। बिल्कुल मैं तो ये कहूंगा भाई मेरे घर पे रुको खाना खाओ अपने हाथ से खिलाओ पिलाओ पशु को और अपना बिल्कुल तसल्ली पूर्वक पशु को लो। बिल्कुल जी तो बिल्कुल सुस्पष्ट जो बातें हैं वो वीडियो में आपको क्लियर बता रहे हैं ताकि कोई भी कल को ये संदेह ना करे कि एक टाइम की मिल्किंग दिखा दी ये कर दिया। जो भी खरीदना चाहता है अपना टोकन मनी डाल के इनके यहाँ पे आए और आके देखे। काफी बार ऐसा भी हुआ फौजी साहब बोल देते हैं भैंस हमारी होगी फिर आते ही नहीं सुबह उसके चक्कर में 10 बंदों को मना कर देते हैं कि बिक चुकी है। तो सबसे पहला काम है अपनी टोकन मनी डलवा के और ये बोल दो आ जाओ अपनी संतुष्टि कर ले भाई चाहे 2 टाइम 3 टाइम देख। साथ में जो मेल काफ है वो भी सामने हरियाणा में मोस्टली भैंसों की चुवाई बच्चे सामने बांध के करते हैं ताकि भैंस दूर बच्चा बांधने पे भी कई बार थोड़ा स्वभाव है उसको टाइट कर लेती है लेकिन सामने बच्चा बांध के लगभग मिल्किंग हमारे यहाँ पे होती है क्योंकि काफ़ी जगह ऐसे हैं एक बच्चे को दूर बांध देते हैं एक ही बच्चे से भैंस लगा लेते हैं डेयरी वाले तो वैसे लेकिन आम जो रूटीन में घरों में दूध निकलता है लगभग कुछ इलाके में तो दाना डाल के भी दूध निकालते हैं हमारे यहाँ पे तो नहीं निकालते लेकिन जब झज्जर के नज़दीक जाते हैं ना वहाँ पे हमने देखा है दाना डाल के फिर चुवाई करते हैं ताकि पशु दाने पे लगा रहे लेकिन व्यापार में इन चीज़ों को नहीं माना जाता है दाना डाल के कई बार बच्चा भूल जाए तब निकालना पड़ता है। तो लगभग मिल्किंग है जोटी की कंप्लीट हो चुकी है 12 दिन की ब्याई हुई जोटी दूसरे ब्यांत की और बाल्टी है वो भी नज़दीक लग चुकी है जी भरने के फुल हाइट की फुल लंबाई की और फुल जो मैं कहूँगा अड्डर की और अच्छे दूध की जोटी है जी। और एक ऐसा मौसम मेरे हिसाब से भाई मौसम की वजह से भी दूध पशु अभी कम निकाल रहे हैं 2-2 किलो का फर्क है जी बिल्कुल पानी नहीं पी रहे पशु ना ढंग से चर पा रहे हैं। धूप निकले ही मेरे हिसाब से आज थोड़ी बहुत दिखी थी नहीं तो 10 दिन हो गए। बच्चे को छोड़ दिया अंदाजा है लेके ये देखिए जब चुवाई स्टार्ट हुई तब आप देखना आर्डर की जो वीडियो में कितना अच्छा दिखाई दे रहा था और अभी बिल्कुल खाली हो चुकी है ये देखिए जी मिल्किंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और कुछ दूध जो है बच्चे के लिए छोड़ा गया है क्योंकि जब मिल्किंग होती है बच्चे को दूध मुश्किल से आधा किलो ही दूध छूटता है क्योंकि आजकल लोग हैं ना बच्चे के दूध की काउंटिंग नहीं करते। वैसे मैं तो फौजी साहब एक आदत डाल ली दूध बाल्टी का ही बताता हूँ बच्चे वाला जोड़ता ही नहीं क्योंकि ऐसे ग्राहक आते हैं उनको यही नहीं पता दूध बच्चे का भी होता है साथ। बिल्कुल ये है भाई दूसरी बाल्टी एक बार खाली दिखा दो बस करो मोपाई बाल्टी तो ये दूसरी भी छोटी सी दिख रही थी दो दिन नजदीक लगाई गई ये देखिए जी साइफन है उसको कम करने की कोशिश है वैसे भी कम ही है क्योंकि इस मौसम में साइफन ज्यादा होता नहीं नीचे नीचे निकल गया भाई साहब उसमें बड़ी बाल्टी में डाल लो अगर कुछ जरूरत पड़े तो दूसरी बाल्टी में माप दियो
कसमाप दे 200-250 ग्राम दूध कम कर दिया आपने। ये देखिए जी, दूसरे ब्यात की झोटी की जो मिल्किंग करवाई, उसका जो मिल्क है वो आप पशुपालकों को माप के दिखाएंगे। साथ में ये देखिए, काउंटिंग करते रहो आप। 2-3 मात्र 12 दिन की ब्याई हुई झोटी की जो चुवाई ये करवा रहे हैं। 4-5 7 ये देखिए 8 लीटर दूध और ये 9 कुछ दूध नीचे निकल गया था। कोई नहीं, 9 लीटर हो गया और मान लो आधा के समथिंग बच्चे को भी छूट गया होगा। हाँ भाई। तो अपना मोबाइल नंबर बताएं एक बार। 7070-60-70-75-75-70-46 जी। तो ये इनका मोबाइल नंबर है जी। लास्ट में बच्चा जो है, देखिए पशुधन के साथ में जो दूध छोड़ा हुआ था 1/2 किलो दूध, आप इसका भी काउंट कर सकते हैं। और जो भी भाई खरीदना चाहता है वो आके ग्राउंड लेवल पे भी संतुष्टि कर सकता है, क्योंकि एक ऐसे मौसम में मिल्किंग करवा रहे हैं पशु। 1/2 किलो दूध वैसे अप डाउन कर दे, कुछ नीचे भी भाई के हाथ से बाल्टी से निकल गया था। तो जितने भी भाई जुड़े हैं सभी का धन्यवाद जी, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।